जी आई एम रेडी रेडी तो मैं कब से थी, सिर्फ एक शर्ट चेंज करनी थी वो कर ली है और बाहर का ये सीन है। अंदर से ज़्यादा तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है और ठंडा भी है। और जी पूरे गीले हो चुके हैं हम, पानी डाल डाल के, पानी आंखों में डाल दिए, एक लीटर मैंने सोल्टी पानी पिया। हमारा कुछ आठवां या जी अभी सीन ये है कि दैट मैंने वैसे जो था वो ब्लॉग ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैं फिर से बाहर आ गई हूँ क्योंकि अंदर बार बार सर्दी लगती है, फिर सू सू आ जाता है। तो एनीवेज अभी आपको मैं इर्द गिर्द का दिखाती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द लिटरली जो है ना मिट्टी के ये सीन है सारे। एंड आपको पता है कि यहाँ पर ना आगे जाके बिल्कुल ऐसी ही एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर ना केव्स बने हुए हैं, और उन केव्स के अंदर ना मुझे लास्ट टाइम किसने बताया था यार, उन केव्स के अंदर ना रात को ना खुद ब खुद ही लाइट जल जाती है और बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। मतलब इट्स वेरी ट्रू, जो हमारे ड्राइवर थे ना वो भी ये चीज़ कह रहे थे कि ये चीज़ होती है लिटरली ना। तो इससे आगे अभी तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने पास करते हुए देखे थे लिटरली। वो देखे, वो आपको मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, आपको एक केव दिखेगा, वो देखे यार ये खुद ब खुद ही बने हैं और ऐसी एक आगे मिट्टी वाली है और उधर इतने ज़्यादा केव हैं, इतने ज़्यादा केव हैं कि वहाँ रात को ना आवाज़ें आती हैं, वहाँ रात को लिटरली आवाज़ें आती हैं बच्चों की। एनीवेज सूरज नहीं है लेकिन अजीब सा ही वेदर है, बिल्कुल चिपचिप वाला, बिल्कुल चिपचिप वाला। मैं तो वापस अपनी वैनिटी में जा रही हूँ, आई फील बोर एक्चुअली, क्योंकि मेरा कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पे एक्चुअली ना। A few inches later. अच्छा जी अभी सीन ये है कि दैट हमारा अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ और इस टाइम दोपहर के हो रहे हैं 2:22। सारा क्रू जो है वो निकल गया है, आगे एक घंटा हमने आगे और जाना है और फिर वहाँ पे हमारा जो है ना मेन सीक्वेंस होगा एंड देन फिर हम वापसी के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी कि हम आगे कहाँ जाने हैं। सारे रेत के मिट्टी के ईंट पहाड़ बने हुए हैं, मतलब यार माशाल्लाह कैसे खुद ब खुद ही ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने तराशे हुए हैं, लेकिन इन्हें एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद बने हुए हैं। मतलब इतने सीक्वेंस और वो केव्स भी हैं छोटी छोटी, उनके अंदर वो केव्स भी खुद ब खुद ही बन गई हैं। मतलब अल्लाह ताला की क्या कुदरत है माशाल्लाह से। पूरा सो के आई हूँ रास्ते में, उधर से वी हैड टू कम टू बुलान रिजॉर्ट, बुलान रिजॉर्ट इसका जगह का नाम है। लेट मी शो यू द सराउंडिंग, ओ माय गॉड लाइक इट्स सो प्रीटी। अच्छा मतलब हमारा सीन जो है ना वो सीन ये है कि दैट वी हैव टू प्ले उस पानी के अंदर, पानी से तो आपके फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है उसे। कराची के गई थी वो भी गटर के पानी काला कलर का पानी था, वो देखो वो मछलियाँ पकड़ रहा है, वो देखो गया कहाँ हुआ है उसको, आती होगी ना स्विमिंग आती होगी, बट पता दीज वेव्स आर नॉट कुछ कहता नहीं कहता, बड़ी सेफ तो नहीं है। जा
अम्मा होती तो कभी भी ना जाने देती, लेकिन यार दिस इज मतलब इतने गंदे हो जाएंगे मेरे, बट ये सब ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर रही इतनी, मेरे अंदर कमेंट्री करने की अभी जान नहीं है, लेकिन जस्ट टू शो यू गाइज द व्यू आई एम जस्ट लाइक गोइंग नियर टू द रिजॉर्ट ना। आज तक सब में कराची में एक दफा समंदर के पास गई थी और मैंने अपने पाँव भी गोए थे और वो पानी जो था वो गटर का पानी था, ठीक है, वो बिल्कुल भी साफ पानी नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा साफ पानी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे जॉगर ना गंदे हो जाए, क्योंकि अगर जॉगर से बहुत ही दिखी दिखी इतनी रियल है कि वो है। अच्छा जी, अभी जो है ना मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ बनाऊँ इस रेत से ना, है ना, वो जो मैंने लिखा है ना, ऐसे करके करते हैं वो बिल्कुल ही पानी वाला होता है, ऐसे करके पूरी ऊपर वो बन जाती है। यार मैं खुले जीते पहन के जानी चाहिए थे, वो बैग में पड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारा वो होगा तो फिर हमें ओपन ही पहन के आने पड़ेंगे, वो जब हमारा शॉर्ट होएगा तो इसने मेरे ऐसे ये पीछे चलती रही मेरे पूरे मुंह पे पानी। अभी तो वैसे भी हमने चेंज कर दिया कि मैं अपने जूते उतार रही हूँ, क्योंकि सारा मेरा जॉगर जो है था वो अपना फरहान की वीडियो बनाने में सारा पानी से भीग गया, मुझे ओपन शूज़ पहनना पड़ेगा और वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी नहीं हो सकता। अभी अगर अच्छी सी सिनेमैटिक में वीडियो। A few moments later. So जी, I'm ready. Ready तो मैं कब से थी, सिर्फ एक शर्ट चेंज करनी थी वो कर ली है, और बाहर का ये सीन है, अंदर से ज़्यादा तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा भी है, विच आई एम जस्ट लविंग इट राइट नाउ। अच्छा जी, अभी ये सारा क्रू हमारा इर्द गिर्द यहाँ पे बैठा हुआ है, पर मैंने अपनी जो है वो पिक्चर्स दानियाल से बनवानी है, जस्ट लाइक मैंने सोचा था कि दैट आई एम नॉट गोना मेक द व्लॉग बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी, मेरे अंदर है ही नहीं एनर्जी, लेकिन फिर भी मैं बना। 12 seconds later. So, जी पूरे गीले हो चुके हैं हम। पानी डाल के पानी आंखों में डाल दिए। एक लीटर मैंने सॉल्टी पानी पिया। हमारा कुछ 8 बाय 9 9 शॉट अब साफ मसल्स पक चुके हैं इस टाइम, और वो तो पूरी गिर गई थी ना, वो जो डूब गई थी उस टाइम उसको उस तरह देख रहे हैं, वो तो पूरी डूब चुकी थी 2-3 दफा, इसने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे गिरा नहीं सकी, हो नहीं सका, ऐसा हो नहीं सका, बेचारी अपनी कोशिशों में नाकाम रही है बिल्कुल। एनीवेज लास्ट सीन अब लग गया बॉनफायर का, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस 9-10 दफा जो है गिर के। ये हालात हैं इस टाइम, सारे गीले और गलीज हुए हुए हैं, बॉन फायर लगा रहे थे, मोए मोए हो गई है बॉन फायर। अब लकड़ियाँ पीछे लगाने हैं, मतलब उसमें भाट डाली जा रहे भाई, लग गई यार शॉट ले लो, गिर गई है वो लकड़ियाँ।
पीछे कहीं लगा रहे हैं वो पकड़ के। But the tides are getting higher, higher and higher now. Daniel, कहाँ है चॉकलेट शेक? मुझे लगा हमारे लिए आ रहे पानी आ रहे थोड़ी देर बाद पानी और हमारे मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं पिलाया वो तो चलो शॉट नहीं दे रहा था जो टैलेंटेड लोग हैं उनको पिलाया नहीं खुद पी गए भाग हम रहे हैं एनर्जियां तुम लोग बना रहे हो नहीं मेरे माइंड में था कि इसने रखा होगा चार कहाँ है चार पूरा हेड टू टो जो है वो समंदर के पानी से ना भीग चुकी हूँ इस टाइम और मेरे टांगों में बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो रहा है। काम में बहुत मेहनत होती है और घुटने में भी दर्द हो रहा है मेरा इस टाइम। अंदर जाके कपड़े चेंज करती हूँ एंड दैट्स इट और आई फील लाइक दैट मैं ब्लॉग को यहीं करने लगी हूँ। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। पता नहीं कौन भुला रहा है मुझे अंधेरे में दूर से तो नज़र भी नहीं आ रहा मुझे। इस तरह भला मेरी क्या मुझे क्यों सताते हो।